सो हे गाइस, दिस इज़ रोहित एंड यू आर वाचिंग एडिट्स बाय रोहित। तो आज हम करने वाले हैं ये गूगल आर्ट मूविंग रील्स का एडिटिंग। तो इसके लिए सबसे पहले हमें प्ले स्टोर को ओपन कर लेना पड़ेगा और यहाँ पर गूगल आर्ट सर्च करना होगा और इस ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैंने पहले से ही आपको इंस्टॉल किया था, तो अब हम इसको ओपन कर लेंगे। तो ये लोड हो रहा है और ये मैंने पहले ही ओपन कर लिया था। तो अब हम यहाँ से सर्च करना पड़ेगा जिस लोकेशन पर हम वीडियो बनाना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर कोलकाता सर्च कर लिया। फिर हमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा और जब तक ये लोकेशन पर पहुंचेगा तब तक इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना होगा। तो ये लोकेशन पर पहुंच गया, अब हमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देना है। तो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो जाने के बाद अब हमें बैक आना है और एक VN ऐप को ओपन कर लेना है। तो ये रहा यहाँ पर VN ऐप, अब हम इसको ओपन कर लेंगे। अब हम प्लस आइकन पर क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे और जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया उसको और कुछ इमेज को यहाँ पर ऐड कर लेंगे। यहाँ फोटो का ऑप्शन, अब हम यहाँ से डाउनलोड पर जाकर कुछ इमेज को ऐड कर लेंगे। फिर हम यहां से 6-7 फोटो को ऐड कर लेंगे और वीडियो का फर्स्ट पार्ट पर आएंगे और जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया था उसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर देंगे। तो इतनी देर तक वीडियो एक्स्ट्रा है, तो अब हम इसको कट कर देंगे और डिलीट कर देंगे। तो यहां पर हर एक फोटो आ गया, लेकिन लास्ट पार्ट में एक वाटरमार्क है तो उसको भी डिलीट कर देंगे। फिर हम एक म्यूज़िक ऐड कर लेंगे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पर यहाँ से म्यूज़िक को ऐड कर लिया, अब हम इसको एक बार प्ले करके देखेंगे। तो म्यूजिक से ज़्यादा स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ड्यूरेशन हो गया, तो अब हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ड्यूरेशन को कम करने के लिए इसका स्पीड को थोड़ा ज़्यादा कर देंगे ताकि इसका ड्यूरेशन कम हो जाए। तो ये देखिए वीडियो का ड्यूरेशन कम हो गया। अब हम वीडियो पर क्लिक करके क्रॉप पर आएंगे और इसको 9:16 कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर इसको 9:16 कर लिया और हम ओरिजिनल वीडियो को भी 9:16 कर लेंगे। फिर हम हर एक फोटो को 9:16 रेशो के साथ मैच कर लेंगे। तो ये रहा फोटो, अब हम इसको 9:16 कर लेंगे। ऐसे ही हर एक फोटो को 9:16 कर लेना होगा। वीडियो का ड्यूरेशन कुछ ज़्यादा ही कम हो गया, तो अब हम इसको फिर से ग्राफ पर जाकर इसका ड्यूरेशन को थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे। अगर हमने ग्राफ को ऊपर की तरफ किया तो इसका स्पीड बढ़ जाएगा और नीचे किया तो इसका स्पीड कम हो जाएगा और ड्यूरेशन भी ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने इसका ड्यूरेशन को अब मैच कर लिया सॉन्ग के साथ। तो अब हमें कुछ एनिमेशन ऐड कर लेना होगा। इसके लिए हमें प्लस आइकन पर क्लिक करना होगा और यहाँ से हम रोटेट एनिमेशन को ऐड कर लेंगे। तो ये रहा वो एनिमेशन, अब हम इसको ऐड कर लेंगे। फिर हम फोटो को म्यूजिक के साथ मैच कर लेंगे और प्लस आइकन पर क्लिक करके ब्लैक एनिमेशन को ऐड करते जाएंगे।
तो हम पहले की फ़ोटो में रोटेट एनिमेशन ऐड करेंगे और उसके बाद की कुछ फ़ोटो में ब्लैक एनिमेशन को ऐड करना होगा और लास्ट के दो कैप्चर वाला जो फ़ोटो है उस पर जूम इन इफ़ेक्ट को ऐड करना होगा। तो अब हम इसको कर लेते हैं। तो आप वीडियो का अच्छे से नोटिस करना, यह बहुत ही इजी है, आपको बस कुछ इफेक्ट ऐड करना है। तो हमने यहाँ सब इफेक्ट ऐड कर लिया। अब हम वीडियो को प्ले करके देखते हैं। तो ये रेडी हो गया। अब ऊपर पर जो सेव लिखा है उस पर क्लिक करके हम वीडियो को सेव कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना और ऐसे एडिटिंग के ट्यूटोरियल देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।